कैसे उत्पन्न प्रेरणा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार। मैं इसी तरह का मोटिवेशन वीडियो लेके आता हूँ जो हर किसी को दिल को छू जाता है। आज जो स्टोरी है फ्रेंड्स, भय से उत्पन्न प्रेरणा, ये बहुत ही खास स्टोरी है। इसे आपको जरूर से ध्यान से सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि भय से भी लोगों को कैसे प्रेरणा मिलता है और वो न चाहते हुए भी उसे करके लोगों में उजाला फैला देते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, ठीक है ना, जहाँ पे हजार लाखों लोग काम किया करते थे, ठीक है। वहाँ पे एक पेंशन योजना कंपनी के मालिक थे और पेंशन योजना का शुरुआत करने का कोशिश किए, लेकिन उसका टर्म एंड कंडीशन एक ही था कि सारे एम्प्लॉई अगर एक फॉर्म पे साइन कर दे तभी इस पेंशन योजना का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें से फ्रेंड्स 99% व्यक्तियों ने उस फॉर्म पे साइन कर दिया, लेकिन 1% व्यक्ति ऐसे थे जो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे थे। बार बार सुपरवाइजर भी उसे मनाने का कोशिश किए, यहाँ तक कि जितने कम्युनिटी वहाँ पे जितने भी मेंबर थे सब लोग 1% व्यक्ति को मनाने का कोशिश किए, लेकिन वो मानने को राजी ही नहीं थे। ये पेंशन योजना काफ़ी अच्छा था, सभी के विकास की बातें थी, लेकिन ये 1% लोग ऐसे थे जो हट किए हुए थे कि नहीं, हमें इस पेंशन योजना में शामिल नहीं होना है, हमें सिर्फ यहाँ पे काम करना है। अब इस बात की खबर मालिक तक पहुँच गई कि 1% व्यक्ति जो है वो मानने को राजी ही नहीं है इस पेंशन योजना को, और बिना उनको साइन किए हुए ये पेंशन योजना को लागू किया जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जब इसका फॉर्म तैयार हुआ, जब इसका गठन हुआ, उसमें टर्म एंड कंडीशन है कि जितने एम्प्लॉई इस फॉर्म में काम करते हैं सभी इस पे साइन करेंगे तभी इसका शुभारंभ किया जाएगा। फ्रेंड्स, मालिक को समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला कि मुझे हायर करने का तो पावर इनको है, तो मुझे निकालने का भी पावर है। उन्होंने वो 1% व्यक्ति को अपने केबिन में बुलाया और एक तरफ रिजाइन का फॉर्म रखे और दूसरा तरफ एक पेंशन एक्सेप्ट करने का फॉर्म रखे और बीच में कलम रखे। बोले जो भी व्यक्ति अगर इस पेंशन की योजना पर साइन नहीं करते हैं वो अपना रिजाइन पे फाइन साइन कर दे। दो ही ऑप्शन है आप लोग के पास, या तो आप रिजाइन कर दें और नहीं तो आपको इस पेंशन को एक्सेप्ट करना था। फ्रेंड्स, मेजोरिटी बहुत ज़्यादा इस बात पे थी कि वहाँ पे 99% व्यक्ति लोग इस फॉर्म पे साइन कर दिए थे, इसलिए मेजोरिटी वहीं पे ज़्यादा था, और इन लोग ने सोचा अब जॉब से निकलने से अच्छा है कि इस फॉर्म पे साइन कर ही दिया जाए। और फ्रेंड्स, उन्होंने जॉब से निकलने के डर से उस फॉर्म पे साइन कर दिया। तो कहते हैं ना, भय से प्रेरणा, अगर इन लोगों को जॉब से निकालने की धमकी नहीं दिया जाता तो वो व्यक्ति अड़चन लगा रहे थे, अच्छा कार्य में अड़चन लगाते जा रहे थे। तो आज का वीडियो से ही प्रेरणा मिला फ्रेंड्स कि अगर अच्छा कार्य करने कोई कह रहा है तो उसे कर लीजिए, उसमें टांग मत अड़ाइए। अगर टांग अड़ाइएगा तो आपको भी इस तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे इस स्टोरी के माध्यम से उस मालिक ने किया। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज के वीडियो के लिए हमारे चैनल बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन चैनल कार्टून.com। बाय बाय फ्रेंड्स।